नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में। साथियों, जो पशुपालक भाई अपने घर पे बकरियां रखते हैं, गोट फार्मिंग यानी बकरी पालन करते हैं, उन्होंने कभी ना कभी देखा होगा कि उनकी बकरियों में एक विशेष प्रकार की समस्या होती है जिसमें वो ताने खाने लग जाती है, गर्दन को कई बार ऊपर कर लेती है और चिल्लाती है, कई बार सर्कलिंग करती है यानी राउंड निकालती है, गोल घूमती रहती है, कई बार एक साइड में घूमती है तो कई बार दोनों साइड में, कभी एक साइड कभी दो साइड घूमती रहती है और चिल्लाती रहती है, कई बार उसका कंट्रोल अपने आप पे नहीं रहता यानी डगमगाती रहती है। तो ऐसी समस्या आपके अगर बकरी है तो कभी ना कभी आई होगी। आज मैं इस वीडियो में इस समस्या का पूरा विश्लेषण आपके लिए लेके आया हूं। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आइए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, मैंने अभी जो आपको लक्षण बताए हैं वो लक्षण बकरियों में होने के कुल 6 कारण हैं, यानी 6 कारणों की वजह से ये होते हैं। हमें उनके लक्षणों में जो अंतर आता है, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, उस अंतर को देखते हुए पहचानना है कि हमारी बकरी की जो समस्या हुई है उसका कारण क्या है। और अगर आप कारण जान लेंगे तो बीमारी का नाम भी जान लेंगे, और बीमारी का नाम जान लेंगे तो उसका इलाज भी आप जान लेंगे। तो साथियों, इसके लिए पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहचान के लिए मैं जो पहली बीमारी ले रहा हूं वो बीमारी है गिड। गिड यानी कोई परजीवियों का एक थैला सा, गुब्बारा सा मस्तिष्क में बन जाता है, और जिस साइड में बनता है वो अक्सर सींग की जो जगह है उसके चारों तरफ, ज्यादातर पीछे की साइड में बनता है वो गुब्बारा। तो जो गुब्बारा है वो अंदर ही रहता है, बाहर नहीं दिखाई देता। तो जो अंदर गुब्बारा रहता है, जिस साइड में वो रहता है उसी साइड में सर्कलिंग यानी गोल गोल घूमने लग जाती है बकरी। यानी हमें गिड की पहचान कैसे करनी है? पहचान के लिए एक ही तरीका है कि अगर आपकी बकरी कभी कभी चिल्लाए और एक ही साइड में राउंड करे, इसका मतलब उसको गिड नामक बीमारी है। और अगर वो बकरी दोनों साइड में राउंड कर रही है, गर्दन को कई बार ऊपर भी कर रही है, चिल्ला रही है और शरीर पे उसका कंट्रोल नहीं है, इधर उधर गिर रही है, जब नीचे गिरती है तो पेट दर्द के लक्षण प्रकट करती है, चारों पैरों को पटकती है, गर्दन को एक साइड में खींच लेती है, अगर ऐसे लक्षण है तो ऐसे लक्षण साथियों दो बीमारियों में होते हैं और दोनों में लगभग सेम होते हैं, यानी एक से लक्षण दोनों में आते हैं। एक बीमारी है जिसका इलाज बिल्कुल आसान है, दूसरी बीमारी है जिसका इलाज थोड़ा सा विकट है। तो उसकी हम पहचान कैसे करेंगे? तो ये जो लक्षण अगर आपको दिखाई दें तो आप मान लीजिएगा कि दो प्रकार की बीमारियां हो सकती है, जिनमें से पहली बीमारी है जिसका नाम है मेनिनजाइटिस यानी मस्तिष्क आवरण शोध, यानी मस्तिष्क के आवरण में कोई शोध हुआ है, मिस्टेक हुई है उसकी वजह से। और दूसरा इसका कारण होता है विटामिन की कमी। विटामिन्स में भी ज्यादातर बी का जो पहला विटामिन होता है B1, जिसे हम थायमिन बोलते हैं, उस थायमिन की कमी की वजह से ये जो अभी मैंने सेकंड टाइम लक्षण बताए हैं वो लक्षण थायमिन की कमी की वजह से आते हैं, यानी हमें थायमिन देना होगा, थायमिन का इलाज करना होगा। और इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जब आफरे की शिकायत होती है और हम समय पर इलाज नहीं कर पाते हैं तो अंतिम स्टेज में यही लक्षण आते हैं जो मैंने बताए हैं। कई बार पेट में पानी भर जाता है जिसे हम एसिडोसिस कहते हैं, उसकी वजह से भी अगर समय पे इलाज नहीं होता तो अंतिम स्टेज में यही कंडीशन हो जाती है। और इसके अलावा जो छठा कारण है वो कारण है एंटेरोटॉक्सीमिया बीमारी, यानी कि जो एंटेरोटॉक्सीमिया बीमारी है जिसे ईटी बोलते हैं, उसमें भी ऐसे ही लक्षण आते हैं जब पशु अंतिम स्टेज में पहुंचता है। यानी जो पिछले वाले जो मैंने तीन कारण बताए हैं ना, ये कारणों में अंतिम स्टेज में ऐसे लक्षण आते हैं, यानी कि अगर बकरी गिरी हुई है और ताने खा रही है, ऐसे लक्षण प्रकट कर रही है, उसको आफरा आया था तो समझ लीजिएगा बचने की संभावना कम है। अगर उसके पेट में पानी बोल रहा है तो समझ लीजिए संभावना कम है। या उसको शूटिंग डायरिया जो ईटी में होता है एंटेरोटॉक्सीमिया में, वो अगर हुआ है तो आप समझ लीजिएगा कि इसके बचने की संभावनाएं कम है। इसके अलावा जो दो कारण मेनिनजाइटिस और जो B1 विटामिन B1 वाला मैंने बताया था, उनका इलाज हो जाता है। इसके अलावा जो गिड है उसका भी इलाज हो जाता है। तो ये सारी बीमारियों के मैंने जो नाम लिए हैं,
अगर इस एक वीडियो में मैं डिस्कस करने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। साथियों, इसके लिए मैंने हर बीमारी के लिए अलग अलग वीडियो तैयार किए हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जो भी बीमारी, जो भी लक्षण आपकी बकरी को नजर आ रहे हैं उससे संबंधित वो वीडियो देख लें और उसका इलाज कर दें, एकदम से आपकी बकरी ठीक हो जाएगी।